सही जानकारी और बेहतर प्रबंधन अगर आपके पास है तो मछली पालन आपके लिए एक लाभ का व्यवसाय हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मछली पालन पे आधारित रहने वाली और हम पहुंच गए हैं बिहार के अरवल जिले में, बलिदात के पास हूँ। प्रणव जी का ये फार्म है और प्रणव जी के बारे में दोस्तों मैं बता दूँ कि लगभग 5.5 वर्षों से ये मछली पालन का काम कर रहे हैं, साथ में सीड स्टॉकिंग का भी काम करते हैं। हम सारे ऐसे लोग हैं एक्सपर्ट जिनका मानना है कि मछली पालन लाभ का व्यवसाय तभी होगा जब आप लार्ज स्केल पे फार्मिंग करेंगे। तो आज हम प्रणव जी से जानेंगे कि कितनी इस बात में सच्चाई है। साथ ही अगर आज बात करें तो सच्चाई ये है दोस्तों कि आज जितने भी किसान हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, सीमांत किसान हैं और बहुत कम उनके पास ज़मीन है, तो क्या इस स्थिति में वो फार्मिंग नहीं कर सकते हैं? तमाम तरह की ऐसी जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। लगभग 7-8 महीने पहले हम आए थे आपके यहाँ का, हम वीडियो बनाया था, लोग पसंद भी थे। सर, सबसे पहला सवाल आज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि मछली पालन लाभ का व्यवसाय आपके लिए कभी हो सकता है, लेकिन उसके सच्चाई ये है कि आज जितने भी अपने किसान हैं, सीमांत किसान हो गए, बहुत कम उनके पास ज़मीन बचा है, तो क्या इस स्थिति में वो मछली पालन नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे मछली पालन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है? देखिए, बिहार में तो ज़्यादातर छोटे की फार्मर ही हैं, छोटे किसान हैं जो 4-10 कट्ठे के तालाब में काम करते हैं, और इससे पहले उनके पास विकल्प के तौर पे आपको पंगेसियस पिछले लगातार 2-3 साल से घाटे का सौदा बन करके रह गई है, क्योंकि इसमें हाई कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, बिक कम रही है, सेल आउट उसका कम है, सेलिंग कम है, तो वैसे स्थिति में काफ़ी सारे तालाब घाटे के कारण बंद हो गए हैं या फिर काफ़ी फार्मर को घाटे का नुकसान उठाना पड़ा। उन वैसे किसान के लिए जिनके पास ज़मीन कम हो, वैसे किसान के लिए अपने यहाँ देसी सिंगी का कल्चर बहुत बढ़िया है, जो देसी सिंगी का कल्चर करके अपना अच्छा खासा वो फायदा कमा सकते हैं। देसी सिंगी कम एरिया में ज़्यादा डेंसिटी, उस हाई डेंसिटी की मछली कर सकते हैं। बात करते हैं सर सिंगी की, तो लगभग कितने दिनों में ये तैयार हो जाता है? सर, ये 8-9 महीने के आसपास इसका समय लगता है तैयार होने में। एवरेज साइज क्या आता होगा? एवरेज 100 ग्राम के आसपास इसमें एवरेज साइज जी 8-9 महीने में 100 ग्राम के आसपास इसका एवरेज आता है। क्या रेट लमसम आता होगा? और रेट सर इसलिए हम ले रहे हैं ताकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं वो जानना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ उसको मैं बता दूँ, रेट थोड़ा सा वो फ्लैक्चुएट होते रहता है, तो एक रेंज सर बता दीजिए कि क्या रेंज। सर, रेट जो है 3.5 से 4.5 रुपये के आसपास चलते रहते हैं, 3.5 से 4.5 इसी के बीच में रहता है जी। और अगर मान के चले 9 महीने में, तो लगभग इसको तैयार करने में कितना खर्चा आता होगा? सर, एक मछली को तैयार करने में करीब करीब 12-13 रुपया खर्च आता है, इंक्लूडिंग फीड, सीड, मेडिसिन, पानी, सारा कुछ अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो करीब करीब इतना 12-13 रुपये खर्च आता है। इसमें मतलब सीड का कॉस्ट भी जुटा हुआ है जी, प्लस उसका फीडिंग कॉस्ट जी 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 सारा कुछ इसमें इंक्लूड है सर। तो अगर बात करें सर, कोई 5 कट्ठे के तालाब में अगर कोई फार्मिंग करता है तो कितना उसमें सीड स्टॉक कर सकता है? सर, अगर 5 कट्ठे के तालाब में फार्मिंग कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट अगर वो हैं, पहले बार ज़्यादा एक्सपीरियंस ना है, तो पर कट्ठा 3,000 के आसपास स्टॉक करें, यानी 15,000 सीड उसमें स्टॉक कर सकते हैं। तो उस लगभग कितना खर्च आ जाएगा टोटल अगर हम बात करें उसमें? तो सर, अगर 15,000 सीड वो स्टॉक करते हैं तो करीब करीब आसपास 50,000 के आसपास उनका आता है सीड तैयार करने में। नहीं सर, सीड का करीब करीब 50,000, 15,000 पीस का लगभग 50,000 सीड का कॉस्ट जी, सीड का करीब करीब कॉस्ट आ जाएगा। उसमें जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना दाना खाती है, और हाँ, दाना इसको, ये जो मछली है दाना इसको नॉनवेज, क्योंकि ये मांसाहारी कैटेगरी की है और ये मांसाहारी भोजन उठाना ज़्यादा पसंद करती है, तो अगर सब संभव हो तो अपने यहाँ BSF लार्वा का फार्मिंग करके इसको फीडिंग कराएं, या फिर केचुआ कम कर दी, या फिर केचुआ वो भी फीडिंग करा सकते हैं। अगर वो संभव नहीं हो तो CP का नॉनवेज दाना आता है, या फिर ड्यूज का आता है ज़्यादा में, हाँ ड्यूज का तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन CP का करीब करीब हर जगह नॉनवेज फीड हाँ अवेलेबल हो जाता है, वो
फीडिंग कराएं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट ये सिंगी पे आता है। तो लमसम सर अगर प्रॉफिट की बात करें कि अगर कोई मान लीजिए कि 9-8 महीने में अगर फार्मिंग करता है तो लगभग प्रॉफिट 5 कट्ठे के एरिया में अगर कोई करता है तो कितना लमसम प्रॉफिट हो जाएगा उनको? लगभग सर देखिए 15,000 सीड का अगर ये करते हैं, एवरेज हम लेते हैं 100 ग्राम के हिसाब से, तो करीब करीब 15 क्विंटल माल तैयार होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या कि 15,000 सीड स्टॉक किए हैं तो 15,000 तैयार तो हो नहीं पाती है, कुछ मॉर्टलिटी वगैरह भी होते हैं जो जेन्युइन है, तो 14,000 का भी अगर हम आंकड़ा लेते हैं तो करीब 14 क्विंटल माल तैयार होती है। और मार्केट में ये जो है 450 इसका रेट होलसेल में रहता है। अगर अपने यहाँ मिट्टी में जो मछली तैयार करते हैं वो बिल्कुल रेड कलर की होती है, इसका रेट जो है 450 अपने बिहार में ही है, अपने तालाब तक है। और वैसे इसका बंगाल में अगर देखा जाए जो आढ़ती रेट 700 रुपये केजी तक ये मछली जाती है रेड कलर की, 100 ग्राम की साइज की है। तो उस हिसाब से अगर करते हैं तो लगभग 45,000 पर क्विंटल के हिसाब से एक क्विंटल का जी, अब 14 क्विंटल प्रोडक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर लिया जाए। और कॉस्ट अगर 14 क्विंटल माल तैयार कर रहे हैं तो करीब करीब 14 क्विंटल दाना भी खाएगी मछली, कंजर्व करेगी। तो 14 क्विंटल दाना का अगर हम एवरेज रेट देखते हैं तो ये 2 से 3 mm तक खाती है। अच्छा 3 mm तक इसी इसको, हाँ ज़्यादा बढ़िया रहता है हाई प्रोटीन फीड खिलाने पे, तो उस हिसाब से वाला ज़्यादा जी एवरेज हम लोग रेट देखते हैं तो 70 रुपये के जी, मतलब 7,000 का आपको पर क्विंटल इसका होता है। तो लगभग 1,10,000 15,000 के आसपास इसका दाना का रेट, और 50,000 के करीब इसमें सीड का और भी मिसलेनियस बहुत सारा खर्च आप अगर जोड़ते हैं तो करते करते लगभग ये आ जाती है 1,70,000-80,000 के आसपास इसका कॉस्ट गिरना है, टोटल कॉस्ट गिरना है। बहुत ज़्यादा मिसलेनियस देख लिया जैसे जाल नेट वगैरह सब कुछ किया जाए, लेबर का चार्ज किया जाए तो इतना खर्च आता है। उसके बाद अगर हम सेल आउट उसको कर रहे हैं 400 रुपये किलो के हिसाब से भी कर रहे हैं तो अपना 14 किलो का होगा करीब 5.5 लाख के आसपास वो सेल आउट होगा। तो अगर 5 कट्ठे के तालाब में खर्च काट करके लगभग 3.5-4 लाख रुपये का अगर बचत हो रहा है 8 से 9 महीने में तो बहुत ही बढ़िया है जी। एक चीज़ और दोस्तों मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे होंगे तो वो लोग इकट्ठा थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, तो मैं बता दूँ बिहार में 1360 या 1361 स्क्वायर फीट को एक कट्ठा कहते हैं, तो बाकी आप कैलकुलेट करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। सर एक चीज़ और समस्या आती है, जैसे क्या गिरता है वो भी आपने बताया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सिंघी में आती है कि जैसे जो लोग लाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो मोर्टिलिटी हो जाती है, तो इसका क्या कहना है? देखिए इसमें फंगस का चांस रहता है या फिर गलत तरीके से ट्रांसपोर्टिंग कराते हैं तो काफ़ी जगह ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा मोर्टिलिटी हो जाता है। बंगाल से कई बार लोग लाते हैं सर तो उसमें काफ़ी उसमें सीड जो है वो मोर्टिलिटी हो जाती है। जी तो वैसे फार्मर के लिए हम अपने यहाँ भी सीड स्टॉक करते हैं, वहाँ से सीड ऑर्डर के हिसाब से सीड आता है और हफ्ता 10 दिन अपने यहाँ स्टॉक करके अपने यहाँ के वातावरण में उसको ढाल करके तब उनको हम लोग देते हैं। जी उस तरह के फार्मर के लिए अपने पास व्यवस्था है, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो अपने पास व्यवस्था है। एक चीज़ और सर समस्या आती है कि जैसे लोग पश्चिम बंगाल से जब सीड लाते हैं तो वहाँ एक समस्या देखा गया है कि जो सीड का जो होता है वो ग्रोथ एक्चुअल होता नहीं है, तो इसके बारे में बताइए। नहीं जैसे वहाँ भी होता है, कुछ लोग लोकल ब्रीडिंग आर्टिफिशियल तरीके से काफ़ी लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग सर जो काम करते हैं वो प्रॉपर बांग्लादेशी लोगों से कर, बांग्लादेश से ही। अच्छा, जो आप सीड लाते हैं वो बांग्लादेश से ही लाते हैं, वो लोग काफ़ी हद तक जो है नेचुरल तरीके से ब्रीडिंग कराते हैं और उनका ग्रोथ भी अच्छा है। सीड का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, जैसे हम लोग के होता है ना अपने यहाँ ब्लड लाइन, जैसे किसी चीज़ का ब्लड लाइन देखा जाता है उसी तरह से उन लोग का भी होता है, इस तरह का कुछ होता है जो बहुत बढ़िया इसके बिल्कुल कहा भी जाता ब्रूडर होते हैं। जी बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि जैसे बांग्लादेश से अगर पंगेशियस का भी जो लोग लाते हैं जो सीड वगैरह लाते हैं या कार्प का लाते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जाता है, तो काफ़ी लोग जो है वो चाहते हैं कि बांग्लादेश से लाएं, लेकिन सब लोग जो बड़े जो छोटे छोटे किसान हैं उनके लिए ये संभव नहीं हो पाता है। अगर एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो
उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। जो मान लीजिए कोई छोटे एरिया में कर रहे हैं तो वो बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं या वहाँ से सीड नहीं मंगवा सकते हैं। तो क्या अगर वैसे हमारे भाइयों को अगर चाहिए सीड वगैरह, जो बांग्लादेश का सीड अगर लेना चाहते हो या उसकी फार्मिंग करना चाहते हो, तो क्या वैसे किसानों की आप हेल्प कर सकते हैं किसी तरह से? जी जी बिल्कुल, अपने यहाँ हम तो वैसे कल्चर के लिए ही सीड ये करते हैं, लेकिन उस तरह के किसान अगर जो संभव नहीं है उनसे संपर्क कर पाना जाना, या फिर वहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड भी लोग होते हैं ऑनलाइन संपर्क करने का, और काफ़ी फ्रॉड होता है, तो उस तरह के किसान के लिए जो अपने यहाँ छोटे किसान हैं या फिर जो हमसे संपर्क करते हैं, उन लोग के लिए भी अपने पास स्टॉकिंग का व्यवस्था है, स्टॉक करके सीड रखा रहता है, ले सकते हैं, या फिर ऑर्डर लगाने के बाद उनका सीड आकर के अपने यहाँ रख करके उनको दे सकते हैं। सर अगर बात करें कि जैसे अभी आप जो फार्मिंग कर रहे हैं और जो आप कल्चर कर रहे हैं, तो अभी कौन कौन सा ब्रीड का काम कर रहे हैं? सर देखिए, कार्प पे अपना है, कार्प पे काम करते हैं, पंगासियस हम लोग कर रहे थे लगातार, 3 साल से पंगासियस हो रहा था, तो पंगासियस में लगातार घाटे के चलते हम लोग विकल्प देख रहे थे। छोटे जैसे कार्प तो बड़े तालाब के लिए है, छोटे तालाब के लिए अपने पास ऑप्शन में आप हाइब्रिड मांगूर कर नहीं सकते हैं, बैंड हैं, और ये पंगासियस कर रहे हैं तो पंगासियस में काफ़ी प्रॉब्लम नुकसान झेलना पड़ता था। आप रूपचंदा कर सकते हैं, तो रूपचंदा के लिए भी वो दिक्कत होता था, मार्केट रेट है नहीं, और प्लस में उसका डेंसिटी कम है, हाई डेंसिटी पे वो मछली कर नहीं सकते हैं, तो विकल्प देखा जा रहा था लगातार 2-3 साल से। विकल्प देखते देखते फाइनली सिंगी पे हम लोग काम करना स्टार्ट किए हैं, कार्प और सिंगी पे बेसिकली हम लोग काम अभी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि जैसे अभी तक की जानकारी देखिए, जो फार्मर जो फार्मिंग कर रहे हैं मछली पालन कर रहे हैं, अब मान लीजिए हमारे वैसे भाई जो अभी मान लीजिए मछली पालन में खाने वाले भाई जो करना चाहते हैं, तो तालाब का कैसा प्रबंधन होना चाहिए वो उनके लिए? जैसे सर सिंगी करने के लिए आपको कीचड़ नुमा तालाब के तल्ले में कीचड़ हो, उस तरह का तालाब, जैसे तालाब खुदाई के बाद या फिर करने के बाद उसको जुताई का भी कराना पड़ेगा, थोड़ा सा मडील हो, मतलब मड हो उसमें, उस तरह का ऑस्थेनेटाइज हो। सबसे पहले इसको तो प्लैंकटन को वैसे विशेष जरूरत होता नहीं है, लेकिन हाँ सैनिटाइज जरूर हो, क्योंकि फंगस सीड आपके तालाब में जाती है तो फंगस का चांस बढ़ता है। आप पीएच वगैरह सारा मेंटेन रखें और पॉन्ड को सैनिटाइज बिल्कुल जरूर करें, ताकि किसी तरह का कोई डिजीज वगैरह स्प्रेड ना करे, और इसमें पानी कम से कम 7 दिन से ऊपर का पानी रखें, नया पानी तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, क्योंकि नया स्केल वाली मछली आने में थोड़ा बहुत, अगर हम यहाँ से कट्टा भी लगाते हैं, जो सीड में क्या सीड निकालने के लिए कट्टा भी लगाया जाता है, तो ना चाहते हुए भी उसमें कांटा लग ही जाता है। तो अगर आपका तालाब सैनिटाइज रहेगा, बैक्टीरिया और फंगस फ्री रहेगा, तो किसी तरह का उसमें डिजीज नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर आपका तालाब सैनिटाइज नहीं है तो चांसेस बढ़ जाता है कि उसमें किसी तरह का डिजीज वगैरह बढ़ सकता है। जी, और न चाहते हुए भी वो चीज़ हो जाएगा, तो इसीलिए हम उनसे ये करना चाहते हैं कि वैसे जो सिंगी का स्टॉक कर रहे हैं तालाब सैनिटाइज ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए। जी जी दोस्तों, ये थे प्रणव जी, लगभग 5.5 वर्षों से मछली पालन का काम कर रहे हैं और लार्ज स्केल पे आज मछली पालन का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, अगर मछली पालन से संबंधित या सीड से संबंधित किसी तरह का जानकारी चाहिए तो प्रणव जी का नंबर स्क्रीन पे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पते के साथ इनका मोबाइल नंबर दिया गया है। किसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए मछली पालन से संबंधित तो आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।